हरियाणा के नूह में शुक्रवार देर रात पर्यटन बस में आग लगने से 8 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। इस हादसे में लगभग 24 लोग घायल हो गए हैं। घटना देर रात 1:30 बजे की बताई जा रही है। बस में करीब 60 लोग सवार थे। वीडियो फुटेज में बस आग की लपटों में घिरी हुई दिखाई दे रही है और वो किसी फ्लाईओवर या पुल जैसी दिखने वाली जगह पर खड़ी है। आग लगने के पीछे का कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है। मिली जानकारी के अनुसार ये घटना नूह में कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे की घटी है। बस में सवार पंजाब और चंडीगढ़ के श्रद्धालु मथुरा वृंदावन से लौट रहे थे। KMP एक्सप्रेसवे पर जिला नूह के तावड़ू उपमंडल में पहुंचते ही ये हादसा हुआ है। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने बचाव कार्य किया, घायलों को अस्पताल पहुंचाया। वहीं इस बारे में एक बुजुर्ग प्रत्यक्षदर्शी के हवाले से बताया गया है कि आग लगने के बारे में पता चलने के बाद वो बस से बाहर कूद गई और खुद को बचाया। उन्होंने आगे कहा कि एक बाइक सवार व्यक्ति ने बस में आग लगी देखी और ड्राइवर को सचेत करने के लिए ओवरटेक किया। उन्होंने आगे कहा कि मैंने बस के नीचे से एक आवाज़ सुनी, मुझे लगा कि बस सड़क पर किसी ऊंचे ढांचे पर चल रही थी। कुछ ही देर बाद दुर्गंध भी आई। एक बाइक सवार कई किलोमीटर तक बस का पीछा किया। उसने ओवरटेक कर ड्राइवर को बताया कि बस में आग लग गई है, मैं आगे की सीट पर बैठी थी इसलिए कूद गई। हम वृंदावन से आ रहे थे वापसी, तो पता ही नहीं चला आग कैसे लग गई कैसे नहीं लगी। वो तो मोटरसाइकिल वालों ने देखा, आ रहे थे, उन्होंने बस के आगे मोटरसाइकिल लगाया, उन्होंने शीशे तोड़े कि बस में आग लगी है। हमारा ड्राइवर तो भाग गया अपना शीशा तोड़कर, पर हमको पता नहीं कैसे हमको बचाया। जिसने हमें बचाया वो अंदर मर गया। 10 आदमी मर गए हैं हमारे, 64। हाँ, कोई जल गया है, कोई किसी हॉस्पिटल में है, अब कोई किसी हॉस्पिटल में है। हमारे भी चोटें लगी हैं, सबके चोटें लगी हैं, है ना, मगर बहुत मुश्किल से बचकर आए हैं। मथुरा वृंदावन, उसके बाद अयोध्या जी, उसके बाद इलाहाबाद, यहाँ करके फिर दोबारा मथुरा वृंदावन से वापसी किया। तो रास्ते में रात को 11 बजे गाड़ी चली थी, रास्ते में 2 घंटे बाद रास्ते में ये हादसा हो गया। गाड़ी में आग लग के चलती गाड़ी में, और उसमें से कुछ लोगों ने भाग वो जान बचाई जैसे भी हो सके, कुछ लोग अंदर ही रह गए। इसमें हमारी वाइफ भी रह गई। क्या नाम है उनका? नाम है उषा शारदा, और उनके एक सहेली थे साथ में, उसके सुनीता रानी, दोनों